नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है आकाश और मेरा भी नाम है आकाश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मॉन्स्टर्स मूवीज की लिस्ट के बारे में। इन सभी मूवीज को रैंक मैंने IMDb की रेटिंग के अकॉर्डिंग ही किया है, प्लस ये सारी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 कम रेटिंग वाली बट काफी यूनिक और अच्छी मॉन्स्टर मूवीज की लिस्ट। नंबर 10 पे आती है मॉन्स्टर्स डार्क कॉन्टिनेंट। इस मूवी को सन 2014 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड फैंटेसी। 1 घंटे 59 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 4.3 की रेटिंग दी है और 26 सितंबर 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको जॉन हॉरी, जॉय डिम्सन और सैम केली के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 9 पे आती है डूम। इस मूवी को सन 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 1 घंटे 45 मिनट के इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है और इस मूवी को 20 अक्टूबर 2005 को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको सुपरस्टार ड्वाइन द रॉक जॉनसन, कार्ल अर्बन और रिजमेंड पाइक के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 8 पे आती है द साइलेंस नाम की मूवी। इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है थ्रिलर एंड हॉरर। 1.5 घंटे की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। 16 मई 2019 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको काइली हैरिसन, सैरा एबॉट और जैन कॉर्बेट के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 7 पे आती है हेलबॉय। इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है सुपरनैचुरल फैंटेसी। 2 घंटे 1 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। 9 अप्रैल 2019 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको डेविड हार्बर, साशा लेन और इयान मैक्शेन के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 6 पे आती है गूज़बम्प्स हॉन्टेड हैलोवीन। इस मूवी को सन 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड एडवेंचर। 1 घंटे 40 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है। 11 अक्टूबर 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको आरएल स्टेन, मेडिसन इजमेन और जैक ब्लेक के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 5 पे आती है द डार्क टावर। इस मूवी को सन 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 1 घंटे 35 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है। 31 जुलाई 2017 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको इदरीस एल्बा, मैथ्यू मैकोनेट और टॉम टेलर के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 4 पे आती है गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 12 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है। 13 मई 2019 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको माइली बॉबी ब्राउन, वेरा फेरमिक और काइल चैंडर के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिए, जिससे हम आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और आपका किसी भी टाइप का सवाल होगा तो आप मुझसे वो वहीं पे पूछ पाएंगे, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा ही दूंगा। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके मुझे इजीली फॉलो कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आती है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर ऑफ एडले ब्लैंकसैक।
इस मूवी को सन 2010 में रिलीज किया गया था। 107 मिनट की इस मूवी का जोनरा है एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी। और इस मूवी के अंदर आपको लोइस, मैथ्यू और गिलाइस जैसे कमाल के एक्टर देखने को मिल जाएंगे। और नंबर 2 पे आती है लिटिल मॉन्स्टर्स। इस मूवी को सन 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है हॉरर एंड हॉरर कॉमेडी। 1 घंटे 34 मिनट की इस मूवी को आईएमडीबी ने 10 में से 6.3 की रेटिंग दी है। 11 जुलाई 2019 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। और इस मूवी के अंदर आपको लुपिटा नियागो, जोश गैट और अलेक्जेंडर इंग्लैंड के साथ साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और नंबर 1 पे आती है द बीएफजी, एके द बिग फ्रेंडली जाइंट। इस मूवी को सन 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड एडवेंचर। 1 घंटे 57 मिनट की इस मूवी को आईएमडीबी ने 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है। 29 जुलाई 2016 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रायलेंस, रूबी बैरहिल और पाइन वॉल्टिन के साथ साथ और बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों यही थी टॉप 10 ऐसी कुछ मॉन्स्टर्स की मूवीज जिनको रेटिंग तो काफी कम मिली है बट इनकी स्टोरी और वीएफएक्स काफी यूनिक और कमाल के हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना और साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। एंड फाइनल में थैंक यू फॉर वॉचिंग।